तो दोस्तों ये देख सकते हैं छोटे छोटे पत्थरों से मिला के यहाँ पे बनाया गया है कुछ, इसके अंदर क्या है, इस गुफा के अंदर देख सक, और देखिए लगेगा कि बांस का है, पर ये बांस का नहीं, अभी सीमेंटेड का बनाया गया है। आप सब सबका वेलकम हमारे न्यू ब्लॉग में, और दोपहर के बज रहे हैं एक और हम आ गए हैं सुप्रसिद्ध मंदिर और एशिया का सबसे बड़ा गांव गामर, वहां पे स्थित है ये कामाख्या देवी का मंदिर। और अभी इस वीडियो में हम पूरे मंदिर का रिव्यू दिखाएंगे आपको, और हमारे पीछे देख रहे हैं ये प्यारा सा तालाब, आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं पूरे मंदिर का व्यू और कैसा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी, और सावन का महीना चल रहा है, देख रहे हैं हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं। अभी मेन मंदिर हमारे पीछे है, और एक बार ये पोखरा देखिए आप कितना प्यारा इसे बनाया गया है। और अभी चलेंगे मंदिर के पीछे, अभी हम मंदिर के थोड़े से दूर हैं 100 मीटर पे, ये पोखरा दिख रहा होगा आपको, और काफ़ी अच्छा इसको पेड़ पौधा लगाया गया है आप देख सकते हैं। और देखिए पानी थोड़ा गंदा हो गया है, और चारों ओर से ये इसको बाउंड्री किया गया है, यहाँ से सीढ़ी दी गई है, आप सीढ़ी से जा सकते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा गाँव गामर में स्थित है ये मंदिर, देख सकते हैं आप, इधर लोग अपना बैठ के आराम से नाश्ता पानी कर रहे हैं। और अभी चलेंगे हम मंदिर के पास और आपको दिखाएंगे मंदिर का नज़ारा, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और ये देखिए कैसे बनाया गया है देख सकते हैं आप। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लोग दर्शन करने के बाद नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ पे सारी ओर दुकान लगी हुई है, और मैंने आपको पोखरा दिखाया ही। अब चलते हैं मंदिर के पास और मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं आपको, काफ़ी भीड़ है। तो दोस्तों ये मंदिर का मेन द्वार जिससे लोग अंदर जाते हैं दर्शन के लिए, दो द्वार है, एक उधर है और एक ये वाला है, इसे मुख्य दरवाज़ा माना जाता है मंदिर में जाने के लिए, आप देख सकते हैं। और इस मंदिर का डिज़ाइनिंग मैं अभी दिखाऊंगा अंदर चल के, बताऊंगा कैसे बना है और किन कारीगरों द्वारा बनाया गया है। अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, देखिए यहाँ पर सामने पानी पीने के लिए लगाया गया है फिल्टर का पानी, और आप देख सकते हैं, देखिए लगेगा कि लकड़ी का है पर ये सीमेंट का बना हुआ है। और अंदर चलते हैं आपको और अच्छे से दिखाते हैं मंदिर के बारे में। तो दोस्तों मंदिर के बगल में ऐसे मैंने अभी आपको दरवाज़ा दिखाई है, इससे आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे कई प्रतिमा लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। मैं अभी चलूँगा, यहाँ पे भी एक मंदिर बना हुआ है माता रानी का, और बहुत सारी प्रतिमा लगाई गई हैं, अभी अंदर चल के हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से देख सकते हैं आप लगातार यहाँ से 10 से 11 प्रतिमा लगाई गई हैं सभी भगवान के, मैं एक एक करके आपको दिखाऊँगा। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देख
दोस्तों मैंने आपको सभी प्रतिमा दिखा दी और ये है मंदिर का मेन मंदिर जो ऊपर दिख रहा होगा आपको। अभी चलेंगे मेन मंदिर में। अब इधर की मैंने सारा आपको कवर कर दिया और इधर गार्डन टाइप का बनाया गया, लोग बैठे हैं आराम से दर्शन करने के बाद। ऊपर आपको मंदिर दिख रहा होगा, अभी चलेंगे मंदिर के अंदर। इधर भी देख सकते हैं मंदिर का कुछ क्षेत्र जो घिरा गया आपको दिख रहा होगा सारा। चलेंगे, चलते हैं आप मंदिर की ओर और भी जो चीज़ होता है आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो दोस्तों अब इधर चलते हैं बाहर, देख सकते हैं आप इधर पेड़ पौधे लगाए गए हैं अच्छे से और यहाँ से अब आगे निकलते हैं और मेन मंदिर की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे माँ कामाख्या देवी का मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। चलते हैं आगे। तो देखिए एक और गार्डन जैसा बनाया गया है तो दिखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उस पर फवारा जैसा बनाया गया है। और आप ये देख सकते हैं ये लगेगा आपको कि लकड़ी का है पर लकड़ी का नहीं है, सीमेंटेड किया गया है डिजाइन इसका। देख सकते हैं गिट्टी से यहाँ पे पेड़ बनाया गया है पत्थर से। और ये देखिए सामने क्या बनाया गया है, छोटे छोटे कंक्रीट पत्थर से। और इसके ऊपर शेर लगाया गया है पीतल का, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे छोटे मोटे पत्थरों से ये बनाया गया है इसको और ऊपर इसके शेर लगाया गया और ऊपर एक त्रिशूल लगाया गया बहुत बड़ा, 20 मीटर लंबा ये त्रिशूल लगाया गया ऊपर। तो दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के अंदर और मुख्य द्वार से हम एंट्री करते हैं। और देखिए ये मुख्य द्वार है मंदिर का जहाँ से आप एंट्री करते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक साइड से महिला एक साइड से पुरुष। उसके बगल में एक और मंदिर है यहाँ पे देख सकते हैं आप, शादी विवाह के लिए बनाया गया है छोटा मोटा। और मैंने ये दिखाया था आपको, अब ऊपर से दिखा रहा हूँ, देखिए ऊपर शेर दिख रहा है देख सकते हैं आप। ये सीमेंट का बनाया गया पर आपको लगेगा नहीं कि ये सीमेंट का बनाया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आते हैं मन्नत पूरा होने के बाद, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा धूप है फिर भी भीड़ बहुत काफ़ी है, सावन का महीना चल रहा है
और देख सकते हैं आप मुख्य मंदिर को। और इधर देखिए कक्ष बनाया गया हवन कक्ष, जिसमें लोग पूजा करने के बाद हवन कर रहे हैं। और चलते हैं आगे, मैंने मंदिर का सारा कवर कर लिया, अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं जो भी चीज़ है। ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों ये देख सकते हैं छोटे छोटे पत्थरों से मिला के यहाँ पे बनाया गया है कुछ, मैं अभी नज़दीक से चल के दिखाता हूँ आपको। वाइट पत्थर और ब्लैक स्टोन लगा के ये बनाया गया है। और ये देख सकते हैं, आपको लगेगा कि लकड़ी का डिजाइन का बनाया गया, पर लकड़ी नहीं है, ये सीमेंटेड का डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको ये दिखाया ही, हम लोग दर्शन कर लिए, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और दिखाते हैं इसको आप एक बार, इसके अंदर क्या है, इस गुफा के अंदर देख सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, पूरा बंद पड़ा हुआ है, भयानक गुफा लग रहा है, भयानक टाइप का बनाया गया, अंदर लकड़ी का लगाया गया कुछ, बाहर तो कुछ ऐसा दिखता है। चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं मंदिर से, और देखिए लगेगा कि बांस का है, पर ये बांस का नहीं, अभी सीमेंटेड का बनाया गया है। तो भाई जी ये था यहाँ का मेन गेट, और काफ़ी बड़ा घंटा यहाँ पर लगाया गया, मैं जूम करके दिखाता हूँ अभी आपको। पचास किलो से बड़ा ये घंटा लगाया गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं यहाँ के जहाँ पे दुकान लगी हैं, जहाँ से लोग प्रसाद लेते हैं, खाने पीने का जो भी, वो भी दिखाते हैं आपको। अभी और भी कुछ बाकी है, वीडियो के एंड तक देखिएगा ज़रूर आप, और आपको दिखाते हैं यहाँ पर। दोस्तों हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं, और मंदिर के अंदर कैमरा करना अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से हम मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाए, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी था वहाँ पे, प्रशासन लगी थी, जाना भी अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग मंदिर का सीन नहीं दिखा पाए। तो बाहर का सीन देख वीडियो में हम लोग डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, और वीडियो भी लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। और देखिए ये तो टीका लग गया, पर पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा, देख रहे होंगे आप। आज भी बनारस की जैसे आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि आप लोग ने देखा था बनारस की वीडियो में हम लोग जो डाले थे, वीडियो नहीं देखे ना जाकर देख लीजिए, वहाँ भी बहुत गर्मी थी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, वहाँ से 50% गर्मी यहाँ पे भी है। गर्मी के कारण हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फिर भी आप सपोर्ट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, और फेमस से फेमस जो भी चीज़ होगा हम अपने वीडियो बना कर डालेंगे। तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और हम लोग एशिया के सबसे बड़े गाँव गांवर में आए हुए हैं और ब्लॉग बना रहे हैं आप सब लोग के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ देखिए हम लोग बैठे हैं, एक यहाँ पे बना हुआ है, और इधर मंदिर दिख जाएगा आपको, इधर ही मंदिर, हम लोग दर्शन करके आए हैं, वीडियो आपको नहीं दिखा पाए, काफ़ी कोशिश किए हैं वीडियो दिखाने के लिए अंदर का, पर पुलिस द्वारा मना कर दिया गया कि अंदर वीडियोग्राफी नहीं हो सकता, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बाहर से कर सकते हैं आप। तो वीडियो का एडिट करके हम यहीं पर डाल देते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और थैंक्स वीडियो देखने के लिए।